How to fix something went wrong in Twitter। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Twitter पे something went wrong इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि दोस्तों आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आए और वीडियो के अंत तक आप भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। और यदि आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक चेकआउट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कभी कभी हमारा इंटरनेट कनेक्शन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, उस रीज़न से भी हमें यहाँ पर प्रॉब्लम शो होता है, ठीक है। तो एक बार आप अपना इंटरनेट कनेक्शन को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों यदि आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन है उसके बावजूद भी आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, तब आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे जाना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको मैं सेकंड सेटिंग्स बताऊंगा। सेकंड दोस्तों आपका यदि दो सिम कार्ड है या तो आप डुअल सिम सेलुलर नेटवर्क या फिर सिम मैनेजमेंट या फिर नेटवर्क पर चले जाइए। दो सिम कार्ड है मोबाइल में तो दोस्तों आपका डाटा कनेक्शन आप एक बार स्विच कर लीजिएगा, ठीक है। एक सिम का बंद करके दूसरा सिम का आप ऑन कर लीजिएगा। कभी कभी दोस्तों इंटरनेट कनेक्शन स्लो होने के कारण से भी आपको ये प्रॉब्लम शो हो सकता है। तो दोस्तों ये था आपका सेकंड सेटिंग। थर्ड सेटिंग जो करना है आपको वो मैं बताता हूँ। थर्ड सेटिंग दोस्तों आपको अपने मोबाइल में ऐप मैनेजमेंट में आना है या फिर आप कह लो एप्लीकेशन मैनेजर या फिर आपको इंस्टॉल्ड ऐप्स के नाम से शो करेगा, ठीक है। बेसिकली आपको एप्लीकेशन पर आना है और यहाँ पर आपको ट्विटर ढूंढ लेना है। चलिए हम अपना ट्विटर ढूंढ लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे ट्विटर पे आने के बाद में ट्विटर के ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे दोस्तों आपको एक बार फोर्स स्टॉप पे क्लिक करना है। इसे फोर्स स्टॉप कर दीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको स्टोरेज यूसेज पे जाना है और यहाँ पे दोस्तों एक बार क्लियर डाटा कर देना है इसे। दोस्तों ध्यान रहे कि क्लियर डाटा करने के बाद आपका ट्विटर अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको री लॉग इन करना है। तो यहाँ पर आपको क्लियर डाटा करना है एक बार। क्लियर डाटा करने के बाद में आपको बैक आना है और यहाँ पर दोस्तों आपको एक बार डाटा यूसेज स्टेटस पे जाना है और यहाँ पे नेटवर्क परमिशन पे जाके आपको वाईफाई एंड मोबाइल डाटा सेलेक्ट करना है। ध्यान रहे कि ये क्लोज वाईफाई ना हो, आपको वाईफाई एंड मोबाइल डाटा सेलेक्ट करना है। उसके बाद में दोस्तों आप जाके अपना मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिएगा। रिस्टार्ट करने के बाद में दोस्तों आप देखिएगा अपना ट्विटर अकाउंट आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तब तो दोस्तों ट्विटर की तरफ से सर्वर डाउन या फिर ट्विटर की तरफ से ही मेंटेनेंस चल रहा होगा, उसके वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।